Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11 students, and the chapter we are doing is reconciliation, bank reconciliation statement. And the concept jo hum kar rahe hain, that is debit or favorable balance as per cash book se, credit or favorable balance as per passbook ko compare kar rahe hain. तो क्वेश्चन है, ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी प्लस बैलेंस. स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी शोन अंडर द इन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बाई एडिंग और डिडक्टिंग देम दिस फ्रॉम द गिविंग बैलेंस बाई गिविंग रीजन्स. इसके रीजन रीजन देना है. मैंने रीजन लिखा नहीं, रीजन आपको बोल दूंगा, आप लिख लेना. तो फर्स्ट तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, हम रीजन देके बताना है. तो बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय 25,000 ऑन 1 मार्च ऑफ द लास्ट ईयर एंड रिवाइज ऑन 3 अप्रैल. हम 31 मार्च को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो बैंक गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया है, मतलब पैसे बैंक डेबिट कर देता है हमारे बैंक अकाउंट को, यानी पैसे निकल जाता है, माइनस हो जाता है. तो बैंक में माइनस हो गया, तो हमारा कैश बुक बैलेंस से हम अगर 25,000 को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आज पर पासबुक आएगा. सेकेंड तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन माइनस होगा, डिडक्टेड होगा. सेकेंड, रिसीव्ड साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट बाई 500. तो आप रीजन लिख देना, मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह. ये कैश बुक है, ये कैश बुक का रिसीट साइड है, ये रिसीट साइड का टोटलिंग ओवरकास्ट हो गया है. जो अमाउंट है इसको जब ऐड करके इधर लिखते हैं टोटल में, और ये टोटलिंग को यहाँ पे उतारते हैं, इसमें पेमेंट साइड का सब कुछ माइनस करके बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं. अगर रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गया, ज़्यादा हो गया, तो बैलेंस कैरेट डाउन भी 200 रुपये बढ़ जाएगा, 500 रुपये बढ़ जाएगा. इसमें 500 दे रखा है, तो कैश बुक फालतू में कैश बुक का बैलेंस 500 बढ़ गया है ड्यू टू रॉन्ग टोटलिंग. तो इसीलिए हम माइनस कर देंगे 500 रुपये. इसका रीजन है द कैश बुक हैज बिन इंक्रीज्ड, कैश बुक बैलेंस हैज बिन इंक्रीज्ड बाई 500 रुपीज़ बाई मिस्टेक, बाई रॉन्ग टोटलिंग. तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे, यही रीजन है. देन कम्स योर थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाई ओवरकास्ट बाई 5,000. पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक है आपके, कैश बुक का पेमेंट साइड ना ये है पेमेंट साइड. ये पेमेंट साइड में जो वैल्यूज है, सपोज 10 वैल्यू है, इसको हम टोटल करके क्या करते हैं ना, जो कैश बुक का टोटलिंग होता है डेबिट साइड का, ये वाला डेबिट साइड का टोटलिंग को हम क्या करते हैं ना, ये टोटलिंग को क्रेडिट साइड में उतारते हैं, इसको माइनस करके बैलेंस छिड़ जाता है आपके. बट पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो गया, ये जो टोटलिंग है ना, ये वाला टोटलिंग, ये टोटलिंग ओवरकास्ट हो गया, ज़्यादा हो गया. तो अगर हम ज़्यादा अमाउंट टोटल से माइनस करेंगे तो हमारा ये कम हो जाएगा, ये जो बैलेंस कैरेट डाउन होता है कैश बुक का कम हो जाएगा. तो इसीलिए ये 5,000 बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी कम हो गया है, क्योंकि हम जब पेमेंट साइड को टोटल कर रहे थे वो टोटलिंग कम हो गया, ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया तो बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस इज द डिफरेंस ना, बैलेंस कम हो जाएगा. इसलिए आप क्या करोगे ना, उसको कैश बुक बैलेंस से लेस कर दोगे ताकि पासबुक बैलेंस आ जाए. थर्ड के बाद फोर्थ, आपके फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट पढ़ो उसको. तो इसीलिए ये वाला चीज़ें ऐड होगा. फोर्थ पॉइंट, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 5,000. ये जो कैश बुक का रिसीट साइड, ये रिसीट साइड होता है टू साइड, कैश बुक का रिसीट साइड, इसका जो अमाउंट है इसका टोटलिंग में अंडरकास्ट हो गया, कम हो गया. ये कम वाला टोटल इधर लिखेंगे, इसको पेमेंट साइड में उतारेंगे सेम अमाउंट को, और इसके साइड में जितने सारे अमाउंट लिखा हुआ है पेमेंट्स, इसको माइनस करके बाय बैलेंस सीडी लाएंगे. जो बाय बैलेंस शीडी लाएंगे, ये अंडरकास्ट हो गया है, ये जो टोटलिंग कर रहे थे हमने रिसीट साइड को,
ये टोटलिंग कम हो गया, डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज बैलेंस को इधर लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, उससे बैलेंस शीडी जो निकालेंगे वो ऑलरेडी ये डिक्रीज हो गया है ना, तो बैलेंस शीडी भी कम आएगा, तो कैश बुक बैलेंस कम हो गया, तो इसीलिए 5000 ऐड कर देंगे ये वाला, दिस मतलब डिक्रीज हो गया है, तो इसीलिए कम हो गया है। अगर डिक्रीज हो गया है तो हम क्या करेंगे ना, इसको अगर कैश बुक का बैलेंस के साथ ऐड कर देंगे तो पासबुक बैलेंस के साथ मैच हो जाएगा। देन कम्स योर फिफ्थ वन, फिफ्थ वन में पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कॉस्ट बाई 20,000, कैश बुक का पेमेंट साइड टोटलिंग कम हो गया है, ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड का टोटल कम हो गया, अंडर कॉस्टिंग हो गया, ये जो टोटल करने में 3-4 अमाउंट जो भी दिया होगा इसका टोटलिंग कम हो गया, तो जो टोटल से बैलेंस कैरेट डाउन हम माइनस करेंगे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो माइनस करने वाला चीज है इसको इससे माइनस करेंगे वो ऑलरेडी कम है, ये डिक्रीज हो रखा है टोटलिंग, तो जो बैलेंस कैरेट डाउन वो इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल इंक्रीज, बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 बढ़ जाएगा, तो ये 20,000 को हम क्या करेंगे, अगर कैश बुक बैलेंस से लेस कर देंगे तो हमारा पासबुक का करेक्ट बैलेंस आ जाएगा। देन कम्स योर सिक्स्थ, सिक्स्थ में आपके इसमें दे रखा है चेक अब 10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशू कर दिया तो हमने कैश बुक में चेक इशू करने के टाइम पे पेमेंट साइड में लिखा नहीं, तो बैलेंस कैरेट डाउन ज़्यादा हो गया है, मतलब पैसा गया नहीं कैश बुक से और बैंक से पैसे निकल गए, जिसको चेक दिया था वो तो घर पे रखेगा नहीं चेक, बैंक में डालेगा पैसे निकाल लेगा, तो हमारा पासबुक कम हो गया है बैंक बैलेंस, बट कैश बुक का बैंक बैलेंस ज़्यादा है इसलिए इसको लेस कर देंगे, यही लिखना है रीजन। सेवेंथ आपके है चेक डिपोजिटेड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिपोजिट करते ही आपके पासबुक बढ़ गया है तो कैश बुक को बढ़ाओ, क्योंकि कैश बुक में लिखा ही नहीं था, ये रीजन यही रहा इसका। देन इसको टोटल करो, इसको इधर लिखो, इसलिए बैलेंस देने रखे ना, इससे ये चारों माइनस करके लिखो बैलेंस आज पर पासबुक, बैलेंस आज पर पासबुक होता है, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।